मध्य प्रदेश के खरगोन में शुक्रवार रात लगभग 8:30 बजे सेल वालों ने महिला और उसके बच्चों की पिटाई कर दी। सेल के अंदर महिला के पिटाई का मामला सामने आते ही सैकड़ों लोग आक्रोशित हो गए। इसी दौरान राधा वल्लभ मार्केट में भगदड़ मच गई, जिससे ताबड़तोड़ पूरा मार्केट बंद हो गया। तनाव बढ़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला। जिला मुख्यालय के राधा वल्लभ मार्केट में एक महिला ने अपने बच्चे के साथ चप्पल खरीदने गई। इस दौरान किसी बात को लेकर महिला और बच्चे की सेल वाले ने पिटाई कर दी। जैसे ही ये बात बाजार में फैली, सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए। मामला गंभीर होने पर पुलिस ने मोर्चा संभाला। तनाव बढ़ता देख राधा वल्लभ मार्केट में भगदड़ मच गई। कुछ ही देर में बाजार बंद हो गया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। पूरे राधा वल्लभ मार्केट को पुलिस ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। दुकान वाले ने मारा बिना कारण के मारने लगे। बिना कारण चप्पल वापस करे। बिना कारण मैंने बोला कि नहीं लेना है, इसको लेना है कि तेको लेना है। मैंने बोला पैसे मैं दूंगा कि तू क्यों आया, दुकान पे क्यों आया। आएंगे आप ग्राहक है तो आए नहीं तो क्या करेंगे, पसंद आएगी तो ले लेगी। और मारने लग गया, गाली देने लग गया। क्या नाम है आपका? जयराम पाटीदार। कहाँ रहते हो? गुरपाला। मध्य प्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय पर शुक्रवार रात को दुकानदार और महिला के बीच झगड़े के मामले में पाटीदार समाजजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। खरगोन को शुक्रवार रात को राधा वल्लभ बाजार में हुए दुकानदार और महिला के झगड़े के मामले में खरगोन पुलिस ने 3 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है। महिला अपने भाई के साथ खरीदी करने पहुंची थी, जिसके साथ 3 से ज़्यादा कर्मचारियों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। महिला गर्भवती थी, जिसके बाद महिला के परिजन खरगोन पुलिस थाने पर FIR दर्ज कराने पहुंचे थे। पुलिस ने 3 लोगों पर मोहम्मद इमरान निवासी सेंधवा, मोहम्मद अकरम निवासी सेंधवा जो दोनों सगे भाई हैं, मोहम्मद मुबीन सिंहखेड़ा थाना बरौल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आज इस घटना के विरोध में बड़ी संख्या में पाटीदार समाज और प्रबुद्ध विचार मंच ने मिलकर खरगोन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देकर कठोर कार्यवाही की मांग की है। दोपहर 3 बजे राधा वल्लभ मार्केट में कानपुर चप्पल सेल, लेदरलैंड और रॉयल शूज पर अज्ञात लोगों ने पत्थर मारकर शीशा तोड़ दिया। शीशे के टूट जाने पर दुकान कर्मचारी आक्रोशित होकर हंगामे से नाराज हो गए। इसी को लेकर पुलिस थाने पहुंचे दुकानदारों ने मामला दर्ज करवाया है। खरगोन पुलिस ने मामले में समझाइश दी है। वहीं राधा वल्लभ मार्केट के मालिक कमलेश भंडारी के खिलाफ नारेबाजी भी की। दुकानों को किराए से देकर व्यापार का संचालन सेल के माध्यम से किया जा रहा है। मार्केट के मालिक के खिलाफ भी कुछ लोगों ने नारेबाजी की है। वहीं भाजपा के नेता रंजीत दंडी ने रविवार को संचालित होने वाले कपड़ा मार्केट को भी बंद करने की मांग की है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। जिस तरह घटना हुई वास्तव में पूरा नगर चिंता करना दुख हुआ पूरे। एक महिला के साथ जिस तरह से घटना की गई है, भाई को मारा गया है, पूरी घटना से पूरा नगर उद्वेलित है। गांव गांव में हमारे समाज के लोग, हमारे हिंदू समाज पूरा दुखी है। और जिस तरह का दुख हो, दूसरी दुख नहीं है, ये दुख का कारण ढूंढना पड़ेगा। और जिस तरह से ये लोग और ये दुकानें दे देंगे और जिस तरह का लाभ कमाने का काम हमारे लोग भी कर रहे हैं, उनको भी आज अल्टीमेटम दे दिया हमने। कमलेश भंडारी को कह दिया है कि दुकानें खाली करवाओ सब। इस तरह की कोई दुकान इन लोगों को देने की जरूरत नहीं जो खुला लाभ कमा रहे हैं। कल हम व्यापारियों से बात करेंगे रात को आज, और व्यापारियों के माध्यम से ये बात करेंगे कि वो नंबर 1 में कपड़ा बेचते हैं और ये नंबर 2 का कपड़ा बेचकर और रविवार के दिन दुकान लगाकर जो स्टॉल और ये काम करते हैं। हम अपने समाज से भी अपील करेंगे कि वो भी इन जैसे लोभी लोगों को, लालची लोगों को और नंबर 2 का धंधा करने वाले लोगों से और सावधान रहे। इस तरह के लोगों पर प्रतिबंध लगे। और आज की जो हमने ज्ञापन दिया है, हम ज्ञापन तक रुकेंगे नहीं। ये दुकानें सब खाली हों और इस तरह का आगे की कोई घटना होती है तो हम इस प्रकार की घटना को अब सहन नहीं करेंगे। और जो कुछ हो सकता है वो सब करेंगे हम। ये सब तय किया है पूरे समाज। रविवार को बाजार जो लगता है वहाँ का जवाहर मार्ग का, वो बाजार बंद करने की भी बात हमने की है। वो पुलिस प्रशासन से हम निवेदन कर रहे हैं। प्रशासन जनता पूरी कार्यकर्ता ये सिर्फ ज्ञापन देने नहीं आए। आज ज्ञापन देके अगर संतोष कर लेंगे तो और बड़ी घटना हो सकती है। इसलिए पुलिस प्रशासन ये बात ध्यान में रखे कि ये सिर्फ ज्ञापन नहीं है। इस माध्यम से हिंदू समाज का आक्रोश आज आपके सामने रखा है और इस आक्रोश को समझें। और इसके बाद ऐसी कोई घटना हो, कल 2:30 बजे रात तक और कार्यकर्ताओं को और हमारे पाटीदारों को इस तरह से और FIR दर्ज कराने के लिए रुकना पड़ा, बहुत बड़ी बात है। एक महिला के साथ घटना होने के बाद पुलिस प्रशासन जिस तरह से और सिर्फ FIR लिखने में भी जिसको डर लग रहा था, सुबह जाकर जब दबाव बना तब जाके उनकी गिरफ्तारियां हुई है, बहुत दुखद है। और वास्तव में ये प्रशासन की नपुंसकता है वास्तव में कि जिस तरह से घटना हुई। और ये धारा भी जो लगाई अभी उनको मैं दिखवाता हूँ किस तरह धारा है। हम वकीलों से बात करें, अगर धारा कमजोर है तो धारा मजबूत लगना चाहिए उनके ऊपर। और ऐसी धारा लगे कि इस तरह की घटना करने के बाद और सोचे 10 बार घटना करने के पहले। और रासुका लगे ऐसे लोगों में तो
ये वास्तव में लोभी लोग हैं। मैं समाज से भी अपील करूंगा कि अपने परिवार के, अपने परिवार की बहनें, माताएं कम से कम ऐसी दुकानों पर नहीं जाए जिससे कि सस्ता खरीदने के चक्कर में हम गलत लोगों के हाथ में पड़ जाए। ये मेरी एक बहन के साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए इस घटना के माध्यम से हम प्रशासन को सचेत करने आए कि प्रशासन इस बात को ध्यान रखकर आगे कार्रवाई करे। बहुत धन्यवाद। कहाँ का भैया? रात को गोल्डन से दुकान है, राधा वल्लभ मार्केट में है। वहाँ महिला और अपने एक भाई के साथ में वो खरीदी के लिए गई। उसके साथ में गोल्डन एज के मालिक ने, उसके कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के साथ में उसका जो भाई था बीच बचाव में गया तो उसके साथ में मारपीट की। और बाद में दो आसपास के जब लोग गए उन्होंने पुलिस को सूचना की, पुलिस ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि महिला के साथ में मारपीट की थी तो तुरंत पुलिस को कार्रवाई करना था और जो गुंडे, जो वो दुकान का जो मालिक है उसको पकड़ करके तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए था, वो नहीं करते हुए और उल्टे लोगों को वहाँ से भगाया, तो इसके कारण ये सारी स्थिति बनी। हमारी मांग है कि पुलिस ने उन गुंडों के खिलाफ, जो क्योंकि गुंडे दुकान लेकर के भी बैठ जाते हैं, क्योंकि ये जो ग्राहक वो महिला के साथ में मारपीट की गई है, इसलिए सीधी गुंडा कर दी है। वो 151 का मामला नहीं है, महिला के साथ में वहाँ पर मारपीट की, दुकान के अंदर जो उसका उसकी ग्राहक थी और उसके साथ में जो उसके भाई था उसके साथ भी मारपीट की और दूसरे लोग जो बीच बचाव में गए उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया। तो ये घटना सामान्य नहीं है, ये सीधी सीधी आपराधिक घटना है और उसमें महिला अपराध भी बनता है और इसके पक्की कार्रवाई करके और उन सारे गुंडों को बंद करना चाहिए, उनको सीधे जेल में भेज दें। निश्चित रूप से जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से प्रशासन पूरा दबाव में काम कर रहा है और गुंडों पे नियंत्रण नहीं है, उसी के कारण तो इतनी बड़ी घटनाएं हो रही। सर ये जो रात को घटनाक्रम हुआ, एक दुकानदार और ग्राहक के बीच में लड़ाई हो गई, तो सर क्या प्रकरण था और उसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? कल शाम को राधा वल्लभ मार्केट में एक जूते चप्पल की दुकान में दुकानदार और ग्राहक के बीच में कुछ सामान खरीदने और बेचने की बात के लिए भी कुछ विवाद हुआ। उसमें से दुकानदार द्वारा ग्राहक के साथ बदलता की गई, उसके साथ झुमाझटकी की गई, उस पर से दुकानदार के विरुद्ध मामला थाना कोतवाली में पंजीकृत किया गया और दुकानदार उसके दो जो अन्य लोग थे दुकान में जिनके द्वारा ग्राहक के साथ अभद्रता की गई थी उसके विरुद्ध मामला पंजीकृत करके उनको गिरफ्तार कर दिया। कितने लोगों को गिरफ्तार किया? कुल 3 आरोपी थे, 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया।